वेलकम करती हूँ मैं किचन में, माय टेस्टी टेबल फूड पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बचे हुए चावल का तवा सेजवान फ्राइड राइस। तो चलें, इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये बचे हुए चावल है, रात के मेरे पास पड़े हुए हैं, इसे हम जाया नहीं करते, इसलिए मैं इसमें इसका सेजवान फ्राइड राइस बनाऊँगी। एक कटोरी राइस है, 1.25 केजी लगता है ऐसा, और 3-4 जौ लहसुन के बारीक चॉप किए हुए, एक हरी मिर्च से बारीक चॉप की हुई, और छोटे सा एक जिंजर का पीस है, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर कर रखा हुआ है। कुकिंग ऑयल है 2 चम्मच भर के, कुछ हरा धनिया है, शिमला मिर्च है, एक अंडा है, हरी प्याज है, सेजवान चटनी है, गाजर कटे हुए हैं, एक छोटा सा पीस गाजर कटा हुआ है। चले फिर मैं स्टार्ट करती हूँ तवा फ्राई राइस बनाना, सेजवान फ्राई राइस बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले तो फिर मैं फ्राई राइस बनाना स्टार्ट करती हूँ। इससे मैंने 2 चम्मच भरकर ऑयल ऐड कर दिया है, इसे गर्म होने देंगे हम अच्छी तरह से। चलिए तो फिर हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च कटी हुई ऐड करेंगे। इसे कच्चा पका सोते करेंगे। इसमें गाजर ऐड करेंगे, एक छोटा पीस मैंने गाजर लिया है मीडियम साइज का, ये 2 जन खा सकते हैं, इतना फ्राइड राइस बनेगा। हरी प्याज का व्हाइट भाग ऐड कर देंगे, व्हाइट हिस्सा है, हरा हिस्सा मैंने नहीं डाला, लास्ट में डालूंगी। चूल्हे को हम हाई रखेंगे, इसमें मैं 8 चम्मच अजीनोमोटो ऐड करूंगी, ये ऑप्शन है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिए। स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी।